अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, कससुल अंबिया सेगमेंट में आज जो उन्वान है, 5000 फरिश्ते मैदान जंग में। जंग बद्र कुफ्र इस्लाम का मशहूर तरीन मारका है। 17 रमज़ान 2 हिजरी में मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बद्र में ये जंग हुई। इस लड़ाई में तादाद और असलहे के लिहाज से मुसलमान बहुत ही कमतर और पस्त हाली में थे। मुसलमानों में बूढ़े, जवान और बच्चे और अंसार और महाजरीन कुल मिलाकर 313 मुजाहिदीन इस्लाम आलम नबवी के जेर साया कुफार के एक अजीम लश्कर से नबरत आजमा थे। सामान जंग की किल्लत का यह आलम था कि पूरी इस्लामी फौज में 6 जिरहें 8 तलवारें थीं और कुफार का लश्कर तकरीबन 1000 नहायत ही जंगजू और बहादुरों पर मुश्तमिल था और उन बहादुरों के साथ 100 बेहतरीन घोड़े, 700 ऊंट और किस्म किस्म के मौलिक हथियार थे। इस जंग में मुसलमानों की घबराहट और बेचैनी एक कुदरती बात थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जाकर खुदा अज़्ज़ा व जल से लो लगाए मसरूफ दुआ थे कि इलाही, अगर ये चंद नफूस हलाक हो गए तो फिर कयामत तक रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाले ना रहेंगे। दुआ मांगते हुए आपकी चादर मुबारक दोशे अनवर से ज़मीन पर गिर पड़ी और आप पर रिक्कत तारी हो गई, यहाँ तक के आंसू जारी हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके यारे गार थे। आपको इस तरह से बेकरार देखकर उनके दिल का सुकून और करार जाता रहा। उन्होंने चादर मुबारक को उठाकर आपके मुकद्दस कंधे पर डाल दिया और आपका दस्त मुबारक थाम कर भराई हुई आवाज़ में अदब के साथ अर्ज किया कि हुजूर, आप बस कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर अपना वादा पूरा फरमाएगा। अपने यार गार सिद्दीक जान सार रदी अल्लाह अन्हु की गुजारिश मानकर आपने दुआ ख़त्म कर दी और नहायत इत्मीनान के साथ पैगम्बराना लहजे में ये फरमाया, सयु जमुल जमु वयुवल्लून दुबुर। तर्जमा कंजुल ईमान, अब भगाई जाती है ये जमात और पीछे फेर देंगे। सुबह को हुजूर अलैहिस्सलाम ने आयात जिहाद की तलावत फरमाकर ऐसा वलवला अंगेज वास फरमाया कि मुजाहिदीन की रगों में खून का कतरा कतरा जोश व खरोश का समंदर बनकर तूफानी मोजे मारने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी कि अगर सब्र के साथ तुम मुजाहिदीन मैदान जंग में डटे रहो तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों की फौज भेज देगा। चुनाचे 5000 फरिश्तों की फौज मैदान जंग में उतर पड़ी और दम जदन में मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुहाजरीन का झंडा लहरा रहे थे और हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु अंसार के आलमबरदार थे। कुफार के 70 आदमी कत्ल हो गए और 70 गिरफ्तार हुए, बाकी अपना सारा सामान छोड़कर फरार हो गए। कुफार के मकतूलीन में कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार जो बहादुरी और सिपागिरी में यकताए रोजगार थे, एक एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए। यहां तक कि कुफार कुरैश की लश्करी ताकत ही फना हो गई। मुसलमानों में कुल 14 खुश नसीबों को शहादत का शर्फ मिला कि जिनमें 6 महाजिर और 8 अंसार थे और मुसलमानों को बेशुमार माल गनीमत मिला जो कुफार छोड़कर फरार हो गए थे। अल्लाह ताला ने जंग बद्र और फरिश्तों की फौज का तस्किरा कुरान मजीद में इन लफ्ज़ों के साथ फरमाया, तर्जमा कंजुल ईमान, और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसर सामान थे, तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र तकवा करो और काफिर उसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा और ये फतह अल्लाह ने ना की मगर तुम्हारी खुशी के लिए, और इसीलिए
इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले और मदद नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास से। दरसे हिदायत। जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद और सामान जंग की किल्लत के बावजूद फतह ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया, और इससे ये सबक मिलता है कि फतह कसरत तादाद और सामान जंग की फरावानी पर मौकूफ नहीं, बल्कि फतह का दारो मदार नुसरत खुदावंदी पर है कि वो जब चाहता है फरिश्तों की फौज आसमान से मैदान जंग में उतार कर मुसलमानों की इमदाद और नुसरत फरमा देता है, और मुसलमान किल्लत तादाद और सामान जंग ना होने के बावजूद फतह मंद होकर कुफार के लश्करों को तहस नहस करके फनाह के घाट उतार देता है। मगर अल्लाह ताला ने इसके लिए दो शर्तें रखी हैं, एक सब्र और दूसरा तकवा। अगर मुसलमान सब्र और तकवा के दामन को थामे हुए खुदा की मदद पर भरोसा करके जंग में अड़ जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा और हर महाज पर फतह मुबीन मुसलमानों के कदम चूमेगी, और कुफार शिकस्त खाकर राह फरार इख्तियार करेंगे या मुसलमानों की मार से फना होकर फिन्नार हो जाएंगे। बस ज़रूरत है कि मुसलमान सब्र और तकवा के हथियारों से लेस होकर खुदा की मदद का भरोसा करके कुफार के हमलों का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहें, और हरगिज़ हरगिज़ तादाद की कमी और सामान जंग की किल्लत और कसरत की परवाह ना करें, क्योंकि फरमान खुदावंदी है कि वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, कि मदद फरमाने वाला तो बस अल्लाह ही है। सच कहा है कहने वाले ने कि काफिर हो तो तलवार पर करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज शायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।